नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, आरआरबी चंडीगढ़ का वेबसाइट मैंने खोल के रखा, तो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ 24 तारीख का, यानी कि आज का, CEN 3/2018 क्लिक हेयर फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जाम लैंग्वेज जेई जूनियर इंजीनियर जेई आई टी डीएमएस एंड सीएमए पोस्ट, लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 आवर्स, मतलब आज 10 बजे मॉर्निंग से 2/23/59 1 मई, मतलब 1 मई के 12 बजे रात तक आपका रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग खोल करके देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सो कि एक वेबसाइट यहाँ पे खुलेगा। आपको क्या करना है, यू कैन मॉडिफाई और कंफर्म एग्जाम लैंग्वेज फ्रॉम 10 आवर्स। ये जो मैं बता दिया है कि 24 तारीख आज मॉर्निंग 10 बजे से जो है सो कि 1 मई का 12 बजे रात तक आप कर सकते हैं। करना क्या आपको, द चॉइस ऑफ लैंग्वेज चूजन बाई यू फॉर आरआरबी एग्जाम CEN 3/2018 कैन बी रिव्यूड एंड मॉडिफाइड ओनली वंस। एक बार केवल आप देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। Once you confirm, no further request for change of language will be entertained. एक बार जब confirm कर देंगे तो उसके बाद किसी तरह कोई request entertain नहीं किया जाएगा। You will be able to take up the computer based test in English and the chosen language only. तो जब आप exam देने जाएंगे तो English तो सभी को अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप जो language choose करेंगे, हिंदी, उड़िया, तमिल, उर्दू और जो भी इंडियन लैंग्वेजेस है उसके अलावा उसको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है सो कि और यदि अदर लैंग्वेज में किसी तरह कोई क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो हमारे हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस माना जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको करना कैसे है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक है टू मॉडिफाई कंफर्म या मॉडिफाई और एग्जाम लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ जोन अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जोन होगा, जैसे कोलकाता है तो कोलकाता लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। ओके फ्रेंड, जब वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, उसके बाद जो है देखिए आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा। You choose an exam language during the registration number for the CBT of CEN 3/2018 Hindi. Do you want to opt for a different exam language? इधर आपको हिंदी मेरा था पहले से, हिंदी के अलावा कोई आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। आपको देखिए यस करने के बाद आपको जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा, एसएमईज, बंगाली, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश से इंग्लिश रहेगा, दो दो इंग्लिश हो जाएगा, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोनाकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, अगर हमको नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, हमको हिंदी रखना है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू रिटेन द सेम एग्जाम लैंग्वेज हिंदी विच वाज ऑप्टेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे कर देंगे ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू रिटेन योर करेंट एग्जाम लैंग्वेज इटसेल्फ, क्लिक ओके टू प्रेस क्लिक कैंसिल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यू हैव रिटेन योर एग्जाम लैंग्वेज एज हिंदी। ठीक है, आपको जैसे कि हिंदी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना लॉग आउट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी देख लेते हैं। आरआरबी भोपाल के जब वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस भी दिया हुआ है, क्लिक हियर टू नोटिस ऑन चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज CEN 3/2018। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का एक नोटिस खुलेगा। उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। तो इस नोटिस को देख लीजिए, मैंने तो आपको पहले बता दिया कैसे करना है। नोटिस ऑन चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी इंटेंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट्स वोज एप्लीकेशन आर वैलिड, मतलब ये केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, जिनका फॉर्म वैलिड था, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। ठीक है, वर वेरियस पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट CEN 3/2018 एग्जाम लैंग्वेजेस कैन बी मॉडिफाइड और कंफर्म बाय लॉगिन इन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी लिस्टेड इन पारा 20.0 ऑफ CEN 3/2018। ऑफिशियल लिंक क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो CEN 3/2018 का पारा 20 में जो लैंग्वेजेस का लिस्ट दिया हुआ था उसी लिस्ट में जो है कि आपको एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना हो, मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम आज मॉर्निंग 10 बजे से लेकर 1 मई का 12 बजे रात तक रहेगा। फॉर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट मॉडिफाई और कन्फर्म देयर एग्जाम लैंग्वेज द चूजन, जिस दिन कोई चेंज नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब आया डेट कब निकले, क्योंकि देखिए कितना कम टाइम है, 24 को स्टार्ट किया, 1 तारीख को खत्म कर दिया जा रहा है, तो मुश्किल से आप मान के चलिए 6-7 दिन 1 हफ्ते के लिए, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट मॉडिफाई और कंफर्म देयर एग्जाम लैंग्वेज द एग्जाम चूजन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन आफ्टर 1/5/2019 और ड्यूरिंग द सीबीटी, मतलब कि जब कोई बच्चा चेंज नहीं कर पाते तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में जो लैंग्वेज चूज किया था वो आपका फाइनल हो जाएगा और 1 मई के बाद ये लोग जो है किसी तरह का रिक्वेस्ट पे एंटरटेन नहीं करेंगे, ना ही आप सीबीटी के टाइम का बोलोगे कि मुझे सर इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज दे दो जो मैंने गलती से चूज किया, तो उसमें भी आपका बाप को एंटरटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि इन्होंने प्रॉपर 1 वीक का आपको टाइम दिया है। कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड द लैंग्वेज ऑप्टेड, मतलब कि जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, मैंने पहले भी बता दिया इंग्लिश में तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करोगे हिंदी, उड़िया, बंगाली, जो उर्दू जो भी सेलेक्ट करोगे उसमें आपको लैंग्वेज दिखाया जाएगा। ओके,
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों का, इन केस ऑफ एनी डिफरेंस या डिस्परेंसी या डिस्प्यूट इन द क्वेश्चंस बिटवीन इंग्लिश एंड द ऑप्टेड लैंग्वेज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन सेल्फ प्रिपेयर। यदि अगर मतलब कि इसे मान लो आप हिंदी लिए और इंग्लिश लिए, उड़िया लिए, कुछ भी लिए, तो आपको अगर लगता है कि हिंदी में मीनिंग कुछ और आ रहा है, इंग्लिश में मीनिंग कुछ और आ रहा, हमेशा आपको जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। हिंदी वाले आप कर भी दोगे तो आपको जो है कि वो लोग इंग्लिश वाले को सही मान करके चलेगा और उसी के रिगार्डिंग जो है कि आपका मार्क्स बैठेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे एग्जाम्स में ऐसा हो, ऐसा नहीं कि केवल ये रेलवे में है, यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। उसके बाद जब आपका वो फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आपको आरआरबी की तरफ से एक एसएमएस भी आ जाएगा। एसएमएस क्या आएगा, द चॉइस ऑफ लैंग्वेज चूजन बाय यू फॉर द आरआरबी एग्जाम सीएन 3/2018 कैन बी कंफर्म या मॉडिफाइड बिफोर 23:59 ऑफ 1/2018। चेक योर ईमेल या आरआरबी साइट फॉर डिटेल्स। ओके, तो जो है कि आपको इस तरह का एक एसएमएस भी आ जाएगा आरआरबी की तरफ से। उसके बाद स्टूडेंट्स को एक डाउट हो रहा था कि सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एक फेक नोटिस जो है कि सर्कुलर जारी हुआ था उसको लेकर के बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रहा था। मैंने उसको अपना मतलब वीडियो बताया था कि वो किस तरह से फेक है, पूरा जस्टिफाई करके बताया था कि वो फेक है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी जो है कि पूरी तरह से तैयार है एग्जाम लेने के लिए, वो आपको एग्जामिनेशन का लैंग्वेज चूज करवा रहे हैं। एग्जाम जो है केवल और केवल इलेक्शन की वजह से रुका हुआ, इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा आपका एग्जामिनेशन जो है कि फटाफट डेट आ जाएगा और उसकी रिगार्डिंग जो है कि नोटिस भी निकाल दिया जाएगा आरआरबी की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए आप जो है कि अभी भी आपने जैसे कि एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके तैयारी कर दीजिए। और आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कि अपना 4 गियर पे तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और फटाफट जो है कि अपना तैयारी को जैसे कि फाइनल टच देना स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है फ्रेंड्स कि आप अगर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे लेवल पोस्ट हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी जो है कि हमारे चैनल फ्री में करवाया जा रहा है बिना किसी कॉस्ट के। और नो डाउट यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है सबसे बेस्ट वीडियो लेक्चर हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पे आइए, वीडियोस को देखिए, आपको जैसा भी लगता है कमेंट कीजिए। और दो सेक्शन को हम लोग अलग किए हैं, रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल लाइव क्लास चला रहे हैं हम लोग, अभी उसका टाइमिंग है 8 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, तो आप हम लोग उसमें जुड़ सकते हैं। और आरआरबी जेई जो कि इसका भी नोटिस आया है, सीबीटी 2 का मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का लाइव क्लासेस आपका चलता है। मैकेनिकल का शाम को 6 से 8 के बीच में चलता है और आपका इलेक्ट्रिकल का दोपहर डेली 2 बजे से चलता है। ओके फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पे जो है हर तरह का आपको जॉब अपडेट मिलता रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज को भी कवर करते हैं, साथ में एएमयू, बीएचयू, जामिया, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सबको भी हम लोग कवर करते हैं। और स्टूडेंट के हित की जो भी बातें हो सारे हमारे चैनल पे की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक ही जगह पे आपको सब चीज मिल जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के रेगुलर अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।